नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी। आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम डिजिटल न्यूज चैनल MP7 News। देखिए रतलाम जिले की विशेष बड़ी खबर। शराब पीकर पति ने पत्नी की नाक काट दी, थाने में हुआ मामला दर्ज। भरण पोषण का केस न्यायालय में दायर करने से था नाराज पति। घायल महिला को इलाज के लिए कराया भर्ती। रतलाम जिले के आलोट में शराबी पति की मारपीट से परेशान होकर महिला ने पति का घर छोड़कर कोर्ट से केस दायर कर गुजार बता मांगा। नाराज पति ने घर पहुंचकर पहले मारपीट की, फिर नाक काट दी। घटना आलोक के अंजुमन कॉलोनी की है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घायल पत्नी को इलाज के लिए आलोट के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग होकर उसे छोड़ दिया था। आलोट की रहने वाली टीना मालिक की शादी उज्जैन जिले के जूठावत गांव के दिनेश मालिक के साथ 2008 में हुई थी। टीना के मुताबिक दिनेश कुछ भी काम नहीं करता था। शादी के कुछ समय बाद दिनेश शराब पीकर टीना से मारपीट करने लगा। प्रताड़ना से तंग आकर टीना दोनों बेटियों के साथ वापस मायके आकर रहने लगी। यहाँ पर वह रसोई बनाने का कार्य करके गुजारा कर रही है। 2019 में टीना ने पति के खिलाफ कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस दायर कर दिया। यह बात दिनेश को नागवारा गुजरी। वह केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। अंजुमन कॉलोनी स्थित टीना के घर आरोपी पति दिनेश पहुंचा। उसने टीना और दो बेटियों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसने दांतों से पत्नी की नाक काट दी। इसके बाद फरार हो गया। पड़ोसियों की मदद से घायल महिला को आलोट के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामले में केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया और थाने से जमानत दी। यदि आपने अभी तक MP7 News चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और खबरें देखने व पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।